एंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम राजस्थान री खबर माए थाको स्वागत छे। नजर डाल से आ ई वक्त री मुख्य खबर पर। प्रदेश माए गहलोत सरकार रो बड़ो फैसलो, अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशनर एताई मिलसी सस्ती भूमि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रो जोधपुर दौरो, राज्यपाल कलराज मिश्र री लिखेड़ी पुस्तक रो करया विमोचन। 30 अक्टूबर ने होसी प्रदेश री दो विधानसभा सीटा पर उपचुनाव, परिवहन मंत्री खाचरियावास जताई जीत री उम्मीद। पेट्रोल डीजल रे दामा माए हुई बढ़ोतरी, पेट्रोल 22 पैसा तो डीजल 27 पैसा प्रति लीटर महंगो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश माए अक्षय ऊर्जा ने बढ़ावा देवा के ताई बड़ो कदम उठायो छे। गहलोत सरकार रे ये फैसला रे बाद अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन रे ताई सस्ती भूमि मिलसी। रियायती भूमि आवंटन री छूट पहली 500 स्टेशन ने मिलसी। इलेक्ट्रिक वाहन रे पहली 500 चार्जिंग स्टेशन ने भी छूट मिलसी। नगरीय विकास विभाग ई के ताई आज आदेश जारी कर दियो छे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जोधपुर रा दौरा पर छे। आज सर्किट हाउस माए राज्यपाल कलराज मिश्र री लिखेड़ी पुस्तक संविधान संस्कृत और राष्ट्र रो विमोचन करिया। ई मौका पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, विधायक सूर्यकांता व्यास, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी समेत कई शिक्षाविद और पुलिस प्रशासन रा कई अधिकारी मौजूद रिया। प्रदेश माए दो विधानसभा सीटा पर उपचुनाव री तारीख रो ऐलान हो गयो छे। दरियाबाद और वल्लभनगर सीट पर 30 सितंबर ने उपचुनाव होसी और 2 नवंबर ने मतगणना होसी। तारीख तय होबा के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जीत री उम्मीद जताता हुआ बीजेपी पर निशानो साध्यो छे। खाचरियावास बोलिया के बीजेपी रा नेता महाराणा प्रताप भगवान राम रो अपमान करिया छे। मेवाड़ री जनता या उपचुनाव माए बीजेपी ने सबक सिखासी, वल्लभनगर री जनता कांग्रेस ने ही वोट देसी। प्रदेश माए 26 सितंबर ने हुई रीट परीक्षा पर विवाद खत्म होबा को नाम कोनी ले रियो छे। प्रदेश भाजपा परीक्षा रे दौरान सामने आई खामियां और धांधली री जांच सीबीआई सु कराबर ही मांग करी छे। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा या मांग करता होया बोलिया के परीक्षा रा पीड़ित अभ्यर्थिया ने राजस्थान सरकार री जांच सु न्याय मिलवा री उम्मीद कोनी छे, लिहाजा सरकार ई की सीबीआई सु जांच करावे। वटई शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा री सफल परीक्षा रो आयोजन कराबर ही बात ने भी रामलाल गलत ठहरायो। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने रीट परीक्षा आयोजित करके और एक ऐसा इतिहास कायम किया है कि जिसका गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से इस परीक्षा का तो इतिहास के अंदर नाम अंकित होना ही चाहिए। लाखों लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके और राजस्थान के मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जब SOG की टीम ने जब कहा कि 8:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से एक संजय मीणा नामक व्यक्ति ने वो पेपर आउट करने का काम किया, जब अलवर की एक कॉलेज के अंदर आप पुनः पेपर कराने का काम कर रहे हो, जयपुर जिले के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर कई मुन्ना भाई एक दूसरे की जगह एग्जाम देते हुए पाए गए, लेकिन उसके उपरांत भी आप सब चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल के आप कह रहे हो कि रिट की एग्ज़ाम हमने पारदर्शिता के साथ किए। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार उन लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम करे, उनको बिगाड़ने का काम नहीं करे, और इस परीक्षा के अंदर जो धांधली हुई है उस धांधली की जांच मेरे ख्याल से CBI से कराई जानी चाहिए, तभी उन बच्चों को न्याय मिल सकेगा। PTET 2021 रो परीक्षा परिणाम आज जारी हो गयो छे। जयपुर हिंदी ग्रंथ अकादमी माए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बटन दबार यो परीक्षा परिणाम जारी करियो छे। 5,33,323 परीक्षार्थी या परीक्षा दी छी। ई मौका पर मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रथम आया परीक्षार्थिया ने फोन कर बधाई दी। राजस्थान बेरोजगार महासंघ एक बार फिर प्रदर्शन कर बारी तैयारी माए छे। बेरोजगार महासंघ रा अध्यक्ष उपेन यादव या जानकारी दी। यादव बतायो के 23 सितंबर ने जयपुर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन होसी। इस दौरान पेपर लीक प्रकरण और देरी सु विभिन्न परीक्षा केंद्र पर पेपर मिलबा रो विरोध जतायो जासी। उपेन यादव बोलिया कि अब चुप रहबा रो समय कोनी छे, अब घर सु बाहर निकल लड़बा रो समय आ गयो छे। यादव ज्यादा सु ज्यादा अभ्यर्थिया सु शहीद स्मारक पर जुटबा री अपील करी छे। बाड़मेर माए बजरी सु भरेडो ट्रक गोवंश ने कुचल दियो। जीसू भड़का ग्रामीण सड़क जाम कर दी। बताया जा रही है कि बालोतरा उपखंड रे किटनोद गांव सु तेज रफ्तार सु आ रियो बजरी रो ट्रक गोगाजी मंदिर रे आगे खड़ी गाय ने कुचल दियो। हादसा रे बाद ट्रक चालक ट्रक ने छोड़ मौका सु फरार हो गयो। ग्रामीण बतायो कि प्रतिदिन सैकड़ों बजरी रा वाहन अठे से गुजरे छे, जी के कारण हादसों रो डर लाग्यो रहवे छे। प्रदेश माए एक बार फिर पेट्रोल डीजल रा दामा माए बढ़ोतरी हुई छे। आज सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल रा दाम 22 पैसा और डीजल रा दाम 27 पैसा प्रति लीटर बढ़ा दी छे। इके बाद जयपुर माए अब पेट्रोल 108.35 रुपया और डीजल 98.80 रुपया प्रति लीटर हो गया छे। डीजल रा दाम आज लगातार तीसरी बार बढ़िया छे, वटही पेट्रोल री कीमत माए 22 दिन बाद बदलाव हुयो छे। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।